तो बेटा इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई 30,000 रुपीज हैं वो दो तरह के बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करने हैं, जिसमें एक तरफ मिलता है आपको 5% और दूसरी तरफ मिलता है आपको 7% ईयरली का। तो मान लो एक तरफ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं एक्स रुपीज, तो दूसरी तरफ 30,000 माइनस एक्स होगा। अब इस तरफ आपको यूज करना है कितने परसेंट, 5%, और इधर कितना यूज करना है, 7%। तो ये जो परसेंटेज है इसे आप लिख सकते हैं 5/100, और इसे लिखेंगे 7/100। अब जब कभी भी क्वांटिटी लिखनी है तो क्वांटिटी ऐसे रो के अंदर लिखी जाती है इस तरीके से। तो एक तरफ एक्स है और दूसरी तरफ 30,000 माइनस एक्स। ओके, जो प्राइस होते हैं या कॉस्ट होती है उसको ऐसे लिखा है। तो पहली कॉस्ट एक तरह से मैं मान लेता हूँ 5/100 को, और सेकंड को मान लेता हूँ 7/100। और टोटल इसमें दो पार्ट है बेटा। ए पार्ट में आपको बोला गया, ए पार्ट है उसमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है बेटा, 1,800 रुपए, और बी पार्ट में मिल रहा है आपको 2,000। क्लियर है बेटा? तो अब पहले ए पार्ट के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ कितना है अपने पास, 18,000। एटीन हंड्रेड बेटा, क्या ये ठीक समझ में आ गया यहां तक? ये आपने क्या यूज किया है बेटा, ये चीज क्या है, ये है, ये जो आपने दो बॉन्ड माने हैं, और ये उनका बॉन्ड का क्या है बेटा, परसेंटेज, कितने परसेंट इंटरेस्ट आपको मिल रहा है। ठीक है बेटा, अब क्या करोगे, अब इसके आगे क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट करना है। तो ये इसके साथ जाने वाला है, तो ये होगा 5x/100 प्लस ये इसके साथ जाएगा 30,000 माइनस एक्स, और यहां पर 7/100, और इक्वल टू कितना बेटा, 1800। तो यहां से सिंप्लीफाई करके एक्स आ जाएगा बेटा। अब यही क्वेश्चन दूसरे वाले के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, बी पार्ट के लिए। बी पार्ट में लेफ्ट में तो आपको इसी तरीके का रखना है बेटा, ऐसे, ये अपना 5% का ऊपर, ये अपना 7% नीचे, और इक्वल टू बेटा इस बार 2,000। ठीक है, इसको यूज करके कर लेंगे। और कोई डाउट इसमें? नो सर। चलेगा, आगे चलें? यस सर। एक मिनट बस निकाल लेता हूं मैं। टॉपिक का कुछ ध्यान है, तो कौन से टॉपिक पे थे हम लोग, क्या चीज, प्रोडक्ट आज समझ लेते हैं ना, प्रोडक्ट। यस सर, लास्ट कंपेरेबल मैट्रिक्स करा था। अच्छा कंपैरिजन, अच्छा कंपेरेबल हो गए थे, ठीक है। इक्वल मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट हुआ था, एडिशन हो गए थे, मैट्रिक्स को ऐड करना सबट्रैक्ट करना, वो यस सर हो गया था। ठीक है बेटा, तो अब हम अब कोई जब कोई मैट्रिक्स है बेटा, अगर कोई मैट्रिक्स है मान लीजिए, और उसमें किसी स्केलर का प्रोडक्ट करते हैं, मान लीजिए कोई स्केलर है, जैसे टू पर, टू को प्रोडक्ट करना है मुझे ए के साथ, किसकी प्रोडक्ट है बेटा, टू की। तो टू एक स्केलर है, और जब इसकी मल्टीप्लाई की जाती है तो सारे मल्टीप्लाई से जाएंगे, मतलब सारे टर्म, जितने भी टर्म होंगे बेटा सभी के साथ जाएगी इसकी प्रोडक्ट। तो 2a, 2b, 2c, 2d, 2e एंड 2f। और अगर यही चीज आपसे कहा जाता माइनस ए बताओ, तो ये सारी टर्म क्या हो जाती बेटा, माइनस। क्लियर, सारी टर्म के साथ माइनस का प्रोडक्ट हो जाता है, ये भी एक तरह से क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, किसका, माइनस वन का। ठीक है बेटा,
स्केलर प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन लो होता है, जैसे प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो कोई के है, अगर उसका ए प्लस बी से प्रोडक्ट आपका जा रहा है तो ये के ए प्लस के बी हो जाएगा, ठीक है बेटा। यही चीज अगर माइनस है तो यहाँ माइनस बी आ जाएगा अपना। इसी तरीके से अगर कोई के और एल दो नंबर है, उनका किसी ए से जाना है, तो आप के ए और एल ए लिख सकते हैं, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अगर यही दो नंबर्स किसी ऐसी फॉर्म के साथ हो, यानी ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई में, और ये तो आप चाहे तो के पहले करके एल और ए का प्रोडक्ट कर लें, चाहे एल का बाद में कर लें और के ए का प्रोडक्ट पहले कर लें, ऐसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं इस बात को बेटा। सही है बेटा? यस सर। अगर एल माइनस एल ए है तो इसे माइनस बाहर लेकर के एल ए कर सकते हैं, या एल की प्रोडक्ट माइनस ए के साथ कर सकते हैं, इस तरह से भी ले जा सकते हैं। ओके यस सर। आगे चलो बेटा। यस सर। सबट्रैक्ट करना ऐड करना उसमें तो कोई परेशानी है नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड एंड सबट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है, सॉल्व करना है दो मैट्रिक्स के लिए। सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, गिवन क्या है बेटा, नोट कर लेंगे इसको, 2x माइनस वाई इक्वल टू है अपने पास 3 माइनस 3 जीरो, 3 3 2, एंड सेकेंड केस 2y माइनस एक्स, ये इक्वल में है आपके पास में 415 माइनस 14 माइनस 4, ठीक है। चलो सॉल्व करो जरा इसको, देखो पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताता हूं इसको। सर एक्स इक्वल टू आ रहा है 10/3 माइनस 5/3, 5/3 और दूसरी वाली रो में 5/3, 10/3 और 0, और वाई इक्वल टू आ रहा है 11/3 माइनस 1/3 और 10/3 और दूसरी रो में 1/3, 11/3 माइनस 2। अच्छा, तो इसमें जैसे मान लो मैं इसके नीचे ये वाला पार्ट लिखूं, तो मैं इसको ऐसे करके लिख लूं, कोई दिक्कत? भाई एक्स लाइक टर्म एक साथ रखते थे ना, एक्स एक्स वाले एक साथ कर लिए, और इसको मैंने यहाँ पर ऐसे लिख लिया। अब यहां अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो एक्स इक्वल हो जाएंगे, और ऊपर ट्वाइस कर दूंगा तो वाई इक्वल हो जाएंगे। तो इसको ट्वाइस करके लिख लेते हैं, 4x माइनस 2y। अब यहां पर ट्वाइस जाएगा, दो से मल्टीप्लाई होगी अगर, तो कुछ ऐसा चेंज होता हुआ आएगा। यस सर। जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो ऐड करते थे हम, याद होगा हमको? यस सर। तो बेटा ये तो 3x बनेंगे इधर, और इधर ये कॉरेस्पॉन्डिंगली ऐड हो जाएंगे, 10 माइनस 5 5, सही चल रहा है बेटा? यस सर। अब क्या करोगे? नीचे वाली रो में भी लिखेंगे बेटा, ये प्लस ही है, इसमें ये प्लस ही था, मैं वही सोच रहा था कि तो मतलब थोड़ा ज्यादा ही गोलमाल सा हो जाएगा, प्लस है तो ये 5 हो जाएगा, बस 5 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब ये कितना आएगा, 5, ये आएगा अपने पास 10 और ये आएगा 0। अब जब x की वैल्यू लिखोगे बेटा, अब तो बड़ा इजी सा हो गया ना, इजी सा हो गया, न्यूमेरिकली डायरेक्ट कैंसिल भी हो जाते हैं, तो 2 माइनस 1 1 1 2 0, ऐसा आ जाएगा बेटा x। यस सर। अब इस x की वैल्यू को आप यहां रख करके इधर माइनस कर लें, चाहे इस x को यहां रख करके y इधर ले आए और इसको इधर ले जाकर के माइनस कर लें, तो x और y दोनों आ जाएंगे अपने। यस सर। आगे चलें? यस सर। अब बेटा मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस है,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं उनका मल्टीप्लाई आपको करके दिखाना है, उनका मल्टीप्लाई आपको निकालना है। तो उस केस में सबसे पहले तो आप ना उसको कंफर्म कर लीजिए कि भाई मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। तो अब मैं पहले यहां पर ऑर्डर मेंशन कर लेता हूं, आपको ऑर्डर नजर आ रहा होगा। पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या माना मैंने, P इंटू क्यू, सही है बेटा? यस सर। और दूसरी का A इंटू बी, क्या यहां तक कोई परेशानी है अभी तक समझ में आए? तो दो मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखे हैं। यस सर। अब मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है बेटा, ध्यान से देखना, जब इसका ये वाला पार्ट जो कि कॉलम है और दूसरे वाली का ये वाला पार्ट, अगर आप ए बी फाइंड कर रहे हैं, ए बी यानी ए पहले बी बाद में, तो इसके कॉलम और इसके रो इक्वल होने चाहिए, ठीक है? यहां लिख देते हैं फोर ए बी, फोर ए बी क्यू इक्वल टू ए, समझ में आया बेटा? जो Q है वो A के इक्वल होना चाहिए। और एक बात और भी ये है कि जब A भी कोई मैट्रिक्स बन के आएगी तो रिमेनिंग पार्ट से बनेगी, यानी कि ये P इंटू बी, समझ में आया बेटा? यस सर। मतलब जब A और B मल्टीप्लाई आप करेंगे तो A पहले है और B बाद में है, तो ए के कॉलम्स और बी के रोज अगर इक्वल होंगे तो ए बी पॉसिबल है, यानी कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है, और जो ए बी का आंसर बनेगा उसका ऑर्डर बचे हुए पार्ट से बनता है, ये इन दोनों से, ठीक है बेटा? यस सर। चलो एक एग्जांपल पहले छोटा सा लगाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बड़े पार्ट पे चलेंगे। पहले मैं यहाँ पर ले लेता हूँ टू वन वन माइनस वन, और एक बी ले लेते, ए बी लिख लिया, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं टू बाई टू, इसका ऑर्डर लिख लेते हैं टू बाई टू। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि भाई पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले के रो दोनों टू टू हैं, तो अपना ए बी पॉसिबल है, क्या बेटा? अपना ए बी पॉसिबल है। अब ये ए बी आएगा कितना, ये भी देखने वाली बात है, आएगा कितना देखो, ध्यान देना बेटा, ये सेवन टाइप का रूल बनता है, किसका? सेवन टाइप का, या तो ये समझ लो, या मुझे इतना तो समझ में आ गया कि ये टू बाई टू की बनेगी भाई, बच्चे को ये दोनों तो सेम है तो आंसर तो इनसे बनेगा ना, अब तो टू बाई टू आएगा, दो रो दो कॉलम, यस सर। तो ये जो एलिमेंट होगा, ये जो पहला एलिमेंट होगा, ये होगा ए वन वन, दूसरा होगा ए वन टू, फिर होगा टू वन और फिर होगा टू टू। इतना समझ में आया कि ए बी का आंसर कुछ ऐसी टाइप की फॉर्म बनेगी? यस सर। ये जो बेटा ये वन वन लिखा है ना, ये रो कॉलम समझ लो, तो फर्स्ट रो को दूसरे वाले के फर्स्ट कॉलम से लेना है। फिर से देखो, आपके पास है ए वन वन, तो ये जो ये है, ये तो रो हो गई फर्स्ट वाले की और ये कॉलम हो गया सेकंड वाले का, यानी कि जो पहले वाला है उसकी रो ये है और दूसरे वाले की कॉलम ये है, इनके कॉरेस्पॉन्डिंगली हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और बीच में साइन आएगा बेटा प्लस का, किसका साइन आएगा बेटा? प्लस, ठीक है? अब देखो, पहला पार्ट यानी ये टू और ये वन मल्टीप्लाई गए, टू वन जा टू, दो एकम दो। अब देखो दूसरा ये रहा और यहां दूसरा ये रहा, तो वन की फोर से जाएगी प्लस फोर, क्लियर हो गया यहां पर? यस सर। अब इस वाले पार्ट की तरफ चलेंगे तो ये कौन है, रो, पहली रो, और यहाँ कॉलम कौन सा है इस बार, दूसरा। यस सर। तो अगर मैं अब इसके हिसाब से यहां सोचूं, तो इसके हिसाब से अब कैसे सोचोगे, देखो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो टू जीरो से गया जीरो, प्लस वन थ्री से गया थ्री, क्या ये बात क्लियर हुई मेरे को? यस सर। अब आगे की बात देखते हैं,
अब हम आगे चलते हैं, अब अपना कॉम्बिनेशन दूसरे के लिए, तो ये वाले कौन कौन है अब इस बार, 2 1 क्यों बेटा, और ये कौन है 2 2, तो 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 यही तो हुआ बेटा, 2 यानी कि रो 2 हो गई और 1 कॉलम हो गया, 2 1, तो 1 बन जा 1, और फिर ये माइनस का 4 आएगा क्या? यस सर। अब ऐसे ही इधर लेके जाएंगे तो ये 0 माइनस 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक बार, यह आएगा 6, यह आएगा 3, यह आएगा -3 और यहां भी -3 और ऑर्डर होगा 2/2। ये अपना ए बी का आंसर बना, देख ले बेटा ध्यान से बेटा। सर हो गया। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। इफ ए इक्वल टू 5 AB, 5 AB, चलो ट्राई करेंगे, पहले एक बार देख लो बेटा, फिर मैं करूंगा तो चेक कर लेंगे क्रॉस। सर 3/2 की मैट्रिक्स है और एलिमेंट है 3 - 2, 5 - 5, 7 - 8। चलो ए बी निकालते हैं फिर चेक करते हैं ऑर्डर। चलो पहले ऑर्डर देख लें, 3/3, ये अपने पास 3 2, तो ऑब्वियसली ये दोनों सेम है इसलिए ए बी पॉसिबल, और आंसर कौन सा बनेगा बेटा 3/2 का, यानी कि इसी टाइप का आंसर आएगा। यस सर। चलो तो ए बी लिख लेते हैं, डायरेक्टली लिखने की कोशिश करते हैं हम भी, जब ए भी जाएगा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से गई पहले टर्म पे, 0 - 1, 4 ऐसा आएगा। यस सर। फिर ये पार्ट इसके साथ जाने वाला है, तो ये अपने पास आया 0 0 - 2, अब सेकंड वाले की बारी आ गई इसकी, तो 1 - 2 + 6, फिर इसकी बारी उधर आई -2 + 0 - 3, फिर अब ये थर्ड वाले की बात आ गई है, तो ये हो गया 2 - 3 + 8, फिर इसकी बारी उसके साथ भी जाएगी -4 + 0 - 4, अब आप इसको प्रॉपर वे में लिख लो, 3 - 2, 5 - 5, 7 और यहाँ -8, क्लियर है बेटा ये? यस सर। तो ये अपने पास 3/2 का ऑर्डर आ गया, ठीक है? यस सर। आगे चलते हैं, ए बी और बी ए प्रॉपर्टीज के हिसाब से देख लेते हैं बेटा। एक तो बेटा जनरली ए बी बी ए इक्वल होना जरूरी नहीं है, दूसरी चीज बेटा ए बी सी और ए बी सी ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है बेटा, कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा ये? एसोसिएटिव। ओके, तीसरा ए और बी प्लस सी ऐसे हैं, तो ये ए बी प्लस एक तरह से कौन सा बेटा, ये बीच में ना ये ऑर्डिनरी, ये डिफरेंट, ये स्केलर या वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑर्डिनरी वो लिखते हैं इसको साइन हम। ये हो गया ए बी एंड ए सी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ये माइनस है तो बीच में माइनस का भी इस्तेमाल कर लेंगे हम, ठीक है बेटा? यस सर। अब अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कोई एन ऑर्डर की, वो ऑर्डर चेक कर लेना, तो इसका प्रोडक्ट और ये ए ही रहेगा और ये ए और आई एन आगे पीछे भी लिख सकते हो,
इसका मतलब दोनों ही केस में ये क्या नजर आएगी फिर आपको, स्क्वायर टाइप। ठीक है बेटा, यस सर। अब कई बार ऐसा भी होता है कि दो मैट्रिक्स हैं अगर उनका प्रोडक्ट जीरो भी आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि ए और बी जीरो होंगी तो ही जीरो आएगा। इसके लिए एक एग्जांपल है, जरा ट्राई करोगे इसको। ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दी हुई है आपको और बी दी हुई है, ए बी निकालना है मुझे। तो ए मैट्रिक्स है 1 1 2 2 और ये है -1 1 and 1 -1, इनका प्रोडक्ट करके देखेंगे बेटा। यस सर, जीरो आ रहा है। ठीक है बेटा, यस सर। एक ये भी ध्यान रखेंगे, किसी भी मैट्रिक्स का नल मैट्रिक्स से प्रोडक्ट हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा बेटा। क्या आएगा बेटा? हमेशा नल मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, यस सर। चलो एक एग्जाम्पल आगे लगाते हैं। एग्जाम्पल है, एक्स पूछा जा रहा है और फॉर्म लिखा है 1x1, फिर ये 3x3 की एक मैट्रिक्स है आपके पास, 1 3 2 0 5 1 0 3 2, यहाँ आपके पास 1 1 x है और ये नल मैट्रिक्स। ट्राई करें बेटा। ट्राई करेंगे बेटा ध्यान से। सही चल रहा बेटा? सर इक्वेशन तो आ गई पर सर एक्स की वैल्यू वैसे नहीं निकल रही। एक्स स्क्वायर प्लस 9x+7=0 आ रही इक्वेशन। चलो देखें एक बार, पहले ऑर्डर पे काम कर लेते हैं। 1 row 3 column, 3 row 3 column, 3 row 1 column, ऑर्डर ठीक है? ऑर्डर समझ में आ गया बेटा सबका? यस सर। तो अब इतना समझ में आ गया कि ये दो भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, मल्टीप्लाई सबकी पॉसिबल है। तो पहले इन दोनों को कर लेते हैं। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो आंसर आएगा 1 row 3 column, ऐसी आएगा? यस सर। तो ये पहले जाएगा इसके साथ, कितना लिखोगे? 1, बाकी जो 0 0 हो गए। यस सर। अब इसकी बारी बीच वाले से आएगी, इसको इनके साथ लेके जाना है या बीच वाला बनाने के लिए, 3 + 5x + 3। यस अब सर। ये लास्ट वाले से भी जाएगा, इससे भी, तो ये जाएगा 2, उसके बाद x, उसके बाद 2। अब आ गया लास्ट में ये वाला 1 1 x = 0। ठीक है, क्लियर है यहां तक? यस सर। अब इसे प्रॉपर वे में लिख लेते हैं। ये बनने वाला है 1 5x + 6x + 4, ये बनेगा अपने पास 1 1 x और ये हो गया 0। अब इसको प्रोडक्ट करके लिख लेते हैं। देखो 1 को 1 से ले जाएंगे तो 1 ही आएगा, फिर प्लस 5x + 6, फिर प्लस x और ये x + 4 इक्वल टू, तो नल मैट्रिक्स होगी तो 0 लिख लूंगा मैं। यस सर। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते, तो ये कितना आएगा? x² + 4x, 4x, तो ये लिखो x² + 9x + 7=0, ऐसा कुछ आएगा क्या? यस सर। तो इसके फैक्टर तो पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब फॉर्मूला मेथड ऐसे ले जाओगे। यस सर। तो ये लग जाएगा। यस सर।
तो इससे बेटा मेरा आंसर बन जाएगा, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाए. सो माइनस नाइन प्लस माइनस रूट 53 बाय 2 आ रही. ऐसा? यस सर. हाँ बेटा ठीक है. आगे चले. यस सर. अब बेटा टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अब आती है आइडेंपोटेंट. आइडेंपोटेंट बेटा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स है उसका आपने स्क्वायर किया और वो सेम आ गई. क्या बेटा? वो सेम आ गई तो क्या होगी? वो हमेशा आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स. ठीक है, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स का कंसेप्ट ध्यान रहेगा. ए स्क्वायर इक्वल टू ए. क्लियर है? यस सर. चलो आप एग्जांपल डाल रहे हैं, इसे दिखाएंगे वैल्यू. ए इक्वल टू 2 माइनस 2 एंड -4, इसके बाद -1, 3, 4 एंड लास्ट वन इज 1 माइनस 2, -3. आपको दिखाना है कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा. आइडेंपोटेंट बताना है इसको. ठीक है बेटा. अब अगली मैट्रिक्स आते हैं बेटा निलपोटेंट. कौन सी बेटा? निलपोटेंट मैट्रिक्स. जब कोई मैट्रिक्स आपको निलपोटेंट मैट्रिक्स दी हुई होगी तो उसमें आप क्या करेंगे कि उसकी एक बार दो बार तीन बार पावर लेंगे, जैसे 2 बार 3 बार 4 बार ऐसे करके, तो वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी. क्या बन जाएगी बेटा? नल मैट्रिक्स. समझ में आ रहा है बेटा? यस सर. मतलब आप कोई भी पावर ले 3, 4, 5 उससे क्या होगा? 3, 4, 5 पावर करने के बाद क्या होगा? मान लो 0 आ गई, नल मैट्रिक्स आ गई, तो ऐसी मैट्रिक्स होगी निलपोटेंट. ओके बेटा. चलो इसमें एक बात और भी ध्यान रखना, ये जो n है ये ऑर्डर है. क्या है बेटा? निलपोटेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर. ऑर्डर मतलब कितनी पावर करके आया. इंडिसेस भी बोलते हैं, इंडेक्स भी बोल देते हैं कहीं कहीं. तो ये पावर देखनी है मुझे, है ना. एग्जाम्पल लगाएंगे. ए इक्वल टू आपको दिया हुआ है एक मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर बताना है बेटा आपको. ऑर्डर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. और ये निलपोटेंट है. कौन सी है बेटा? ये निलपोटेंट है, आपको बताना है किस ऑर्डर की है. ठीक है बेटा. यस सर. चलो पावर निकालनी है, मतलब इनडायरेक्ट वे में वो पावर पूछ रहे हैं आपसे. सर 4. और चलो मैं इधर वाला पार्ट हटा लेता हूँ. तो ये अपने पास सबसे पहले ए स्क्वायर निकलना चाहिए, है ना. यहीं से तो रास्ता खुलेगा. चलो ए स्क्वायर के लिए 1, 1, 3 एंड 5, 2, 6 -2, -1, -3 1, 1, 3 5, 2, 6 -2, -1, -3 अब प्रोडक्ट कर लेते हैं बेटा. पहले ये पूरा जाएगा तो 1, 5, -6 ऐसे आएगा बेटा. यस सर. सेकंड आएगा 1, 2, -3 थर्ड आएगा 3, 6, -6 फिर यहां पहुंचते हैं 5, 10, -12 फिर आएगा 5, 4, -6
ठीक है बेटा, फिर आएगा 15 प्लस 12 माइनस 18। अब लास्ट वाले पे चलते हैं, माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, माइनस 2 माइनस 2 प्लस 3, और लास्ट में चले गए माइनस 6 माइनस 6 प्लस 9। सर हाँ जी, ये फर्स्ट रो का तीसरा वाला है ना, इसमें 3 + 6 - 9 होगा। 3 + 6, हाँ माइनस 9, यस यस, यही छोटी मोटी गलतियां होती है इनमें कैलकुलेशन में। अब देखते हैं इसको, ये तो जीरो आया, जीरो, ये भी जीरो, ये अपने पास 3, ये अपने पास में 3, और यहां कितना आएगा 9, 9 आएगा ना बेटा, यस सर। फिर अपने पास आएगा माइनस 1, माइनस 1 एंड माइनस 3 बेटा। अब आप जाइएगा ए क्यूब पर, तो ए स्क्वायर इंटू ए ले लेंगे, अब हम 0 0 0 3 3 9 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3, और ये अपने पास ए 11 माइनस 113, फाइव टू सिक्स माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। ये वाला प्रोडक्ट और चेक कर ले बेटा बस एक बार। ये सर मेरा पहले ही गलत हो गया है, वो 3 की जगह 7 लिख दिया था। अच्छा, तो ये ना ये वाला आपका बन रहा है, तो ये बन गया बेटा आपका, मतलब ए क्यूब क्या बना आपका, नल मैट्रिक्स। यस सर। तो ऑर्डर कितना बोल दोगे आप, अब 3, बस ये हो गया बेटा ऑर्डर 3, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट अगली लिखते हैं पीरियोडिक, बेटा इसी में पीरियोडिक भी समझा दूंगा मैं आपको, तो मैं इसी पार्ट को हटा रहा हूं यहां से, अगली है हेडिंग पीरियोडिक मैट्रिक्स। पीरियोडिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होते हैं बेटा, जो जैसे साइन या कोस का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ समय बाद सेम हो जाता है ना वो ग्राफ, तो वो जो जिस गैप के बाद वो सेम बन जाता है, यानी कि जो पहले होता है वैसे ही आ जाता है, तो वो उसका पीरियड होता है। यहां भी आप देखिएगा कि जैसे ए स्क्वायर इक्वल टू ए आया था ना एक पहले वाली में, याद है कुछ? Yes, कौन सी वाली थी अपनी, आइडेम्पो। Yes, sir. है ना भाई, आइडेम्पो, और दूसरी कौन सी पढ़ी अभी, निलपोटेंट, है ना। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि ए की दो पावर करने से ए सेम आ गया, तो इसका पीरियड जो होगा वो 1 होगा बेटा, क्योंकि एक तो पहले से ही था, ठीक है ना बेटा। तो अगर yes, नोट करेंगे क्या, कि अगर ए की पावर के प्लस 1 करने से ए आ गया, ए की पावर के प्लस 1 करने से ए आ गया, और के क्या है यहाँ पर बेटा, कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो के को बोलते हैं पीरियड। पीरियडिक मैट्रिक्स का ये पीरियड माना जाता है बेटा, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये जो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका पीरियड क्या होगा, यहाँ पर एक तरह से के की वैल्यू 1 होगी ना, तो यस सर। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स जो है वो पीरियडिक मैट्रिक्स भी कही जा सकती है, ओके। यस सर। आगे चलें। यस सर। अगली मैट्रिक्स लिखेंगे इनवोल्यूट्री, इनवो
यूट्री, इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा, जिनमें अगर आप ये स्क्वायर निकालें और वो क्या आ जाए बेटा, आइडेंटिटी, क्या आ जाए बेटा ये स्क्वायर करने से, आइडेंटिटी, तो इसे बोलते हैं कौन सी, इन्वोल्यूट्री, इन्वोल्यूट्री है ना, ल्यूट्री। अब इसका एक और कंसेप्ट है कि आप दोनों तरफ अगर ए इनवर्स का प्रोडक्ट कर दें ऐसे, तो यहाँ क्या बचेगा, ए, yes, sir. और बेटा इधर क्या बचेगा, ए इनवर्स, yes, sir. तो इससे ये भी तो जानकारी मिली कि जो भी इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स होंगी उनका इनवर्स मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा, इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स का इनवर्स, इन्वोल्यूट्री मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स के इक्वली होगा। ठीक है बेटा, यस सर। तो एक एग्जांपल लगा लीजिए, बताना है कि ये कौन सी टाइप की मैट्रिक्स, माइनस फाइव माइनस एट जीरो जीरो वन थ्री फाइव है यहाँ पर और ये वन टू है, ये ए इक्वल टू है, आपको टाइप ऑफ मैट्रिक्स बताना है। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि एक पीरियोडिक थी, एक आइडेम्पोटेंट थी, एक निलपोटेंट थी, ऐसी तो थी बेटा, यस सर। तो जब आप निलपोटेंट पे जाएंगे तो दो तीन चार पावर करनी पड़ सकती हैं, तो एक काम तो ये पहले ही नजर आ गया कि भाई दो पावर तो मुझे निकालनी ही निकालनी पड़ेगी, है ना बेटा, ये तो करना ही करना पड़ेगा। चलो इसे निकाल के दिखाओ क्या आया, सर ए स्क्वायर आ रहा है, ऊपर से तो 100010 और नीचे 241 आ रहा, सेम नहीं आ रहा, नो सर। अच्छा चलो ए स्क्वायर निकाला आपने, यस सर। अच्छा ये एक मिनट, एक मिनट मैं वही चेक कर रहा था, कुछ गलती तो नहीं है, ये माइनस वन है बेटा, एक बार क्रॉस चेक कर लो क्योंकि ये सेम आ जाएगा, देख लें एक बार, सॉरी ये आएगा, ये आइडेंटिटी आ जाए, यस सर आ रहा है, तो ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी आ गया, तो इन्वोलेटरी हो गई। ठीक है, यस सर। चलो एक एग्जांपल आगे लेते हैं, इसमें कहा इफ ए इक्वल टू एल्फा टू टू एल्फा और ए क्यूब का मॉडुलस इक्वल टू 125, फाइंड करना है बेटा एल्फा, है बेटा, चलो देखते हैं, ये आपके पास कितना है बेटा 125, और इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालना चाहूं तो मेरा ये आएगा, तो इसे लिख सकते हैं ऐसे भी, ठीक है बेटा, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ है कितना आ गया, फाइव, क्यों बेटा सही है ना, और वो वैल्यू रख लो आप यहाँ पर इस तरीके से, आप इसको इधर ले जाके ऐड कर दो, ठीक है बेटा, यस सर, देख लो एक बार ध्यान से, चलो ठीक है बेटा, यहीं पे छोड़ते हैं आज क्लास।